सत श्री अकाल जी, पंजाबी टीवी दे विच तुहाडा स्वागत है। जोड़ां दा दर्द हर एक इंसान की समस्या बन चुकी है। पहलां दे समें दे विच इह समस्या सिर्फ बजुर्गों दे विच वेखण नूं मिलदी सी, पर अजकल इह नौजवान पीढ़ी दे विच वी वेखण नूं मिलदी है। लोकां नूं चलन फिरन दे विच दिक्कत आउंदी है, गोडे मोड़न समें दिक्कत आउंदी है, क्योंकि गोडियां दा लचीलापन खत्म हो चुका है, जिस करके तुरन फिरन समें दिक्कत आउंदी है अते गोडियां नूं मोड़न समें टिक टिक दी आवाज़ आउंदी है। सो अज मैं तुहानू एक अजिहा नुस्खा दसांगी जिस दे नाल कि तुसी गोडियां दे दर्द तो बिल्कुल ही आसानी तरीके दे नाल छुटकारा पा सकते हो। सब तो पहला तुसी काली मिर्च लैनी है। काली मिर्च दे दो दाने तुसी लैने है। इस दे लई तुसी कोई भी रेडीमेड काली मिर्च दा पाउडर तुसी यूज नहीं करना। साबत काली मिर्च दे दो दाने लैने है। इस नूं तुसी चबा के खाना है, क्योंकि काली मिर्च दे विच एंटी इंफलामेटरी गुण होंदे ने जिहड़े कि सोज अते दर्द नूं दूर करदे ने। इस तों बाद तुसी देसी घी दा एक चम्मच लैना है अते एक गिलास दुध दा लैना है। दुध तुसी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, गऊं दा जां मझ दा। इस तों बाद तुसी दुध नूं उबालना है। इस दे विच एक चम्मच देसी घी दा पाना है अते काली मिर्च खाण तों बाद नाल दी नाल तुसी इह दुध पीना है। जिवें कि मैं तुहानूं पहले ही दस चुकी कि काली मिर्च दे इनफ्लामेंटरी गुण ने जो वो तुहाडे गोडियां दी सोज ते दर्द नूं दूर करनगे, अते जिहड़ा गोडियां दा लचीलापन खत्म हो चुक्या है वह यह देसी घी अते दुध चक्केगा, जिस दे नाल कि तुहाडे गोडियां चों जिहड़ी टक टक दी आवाज़ आउंदी है वह बंद हो जाएगी। ते हुण तुहानूं दसांगी कि किहड़े लोक ने जिहड़े इस नुस्खे नूं इस्तेमाल नहीं कर सकदे, इहदे विच परहेज़ की ने अते इह दिन विच किन्ने वार अते किहड़े समें लैणा। जिसनों वात रोग है वह इस नुस्खे नूं सवेरे लैन, क्योंकि वात रोग सब तो ज़्यादा सवेरे या रात नूं हुंदा है अते जिस व्यक्ति नूं गरमैश है वह यह नुस्खे की वरतों दोपहर दे टाइम करनगे। ते हुण तुहानूं दसांगी कि तुसी इस नुस्खे का इस्तेमाल किन्नी वार दिन दे विच करना है ते किन्नी वार हफ्ते दे विच इस्तेमाल कर सकते हो। तुसी इस नुस्खे नूं हफ्ते दे विच दो वार लै सकते हो ते दिन दे विच सिर्फ एक वार ही इस्तेमाल कर सकते हो। जेकर यह नुस्खा तुहाडी बॉडी ते कोई भी गलत रिएक्शन नहीं कर रहा, तुहानू यह फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, तो तुसी इस नुस्खे नूं हफ्ते दे विच तीन वार भी कर सकते हो। ते हुण उन्हां लोकां दी गल करांगे जिहड़े इस नुस्खे नूं इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन्हां नूं लूज मोशन की ज़्यादा शिकायत रहिंदी है वह इस नुस्खे नूं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते अते इस नुस्खे नूं तुसीं सर्दियां दे विच भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन्हां नूं तेजाब की समस्या है वह भी इस नुस्खे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो जिन्हां नूं हाई बीपी हाई कोलेस्ट्रोल रहिंदा है वह भी इस नुस्खे नूं नहीं वरत सकते। लीवर की बीमारी वाला कोई भी पेशेंट इस नुस्खे नूं इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसनों बवासीर है या जिसनों पेशाब करते समय जलन महसूस होंदी है वह भी इस नुस्खे नूं नहीं वरत सकते। सो वैसे तो मैं तुहानूं सारा कुछ दस ही चुकी हाँ कि इस नुस्खे नूं किंज इस्तेमाल करना है, किहड़े किहड़े व्यक्ति इस नूं लै सकते हैं, किहड़े किहड़े व्यक्ति इस नूं नहीं लै सकते, हफ्ते दे विच किन्नी वार लैना, दिन विच किन्नी वार लैना। पर फिर भी जे तुहानूं कुछ समझ दे विच नहीं आउंदा तां तुसीं सानूं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट कर सकते हो। सो इस वीडियो नूं वध तों वध लाइक शेयर अते कमेंट करियो अते पंजाबी टीवी चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन दबाओ।